तो सबसे पहले राजधानी रांची में उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया कर्मियों को जोहार नेहर वंदन। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आगामी नहीं चल ही रहा है, प्रारंभ हो चुका है, विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है और हमारा जो आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा है, जो हमारी मांगे थी, जो हमारे मुख्य मुद्दे थे, उनको लेकर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लोगों की मांग की अनासुनी हो रही है, राज्य सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। उसी क्रम में हम लोग फिर से आंदोलन के लिए रांची कुछ करेंगे और हमारा इस बार जो आंदोलन होगा, इस बार घेराबंदी का नहीं, इस बार खतियानी सत्याग्रह के तर्ज पर होगा। ये 2 दिवसीय आंदोलन होगा जो 2 तारीख से प्रारंभ होगा और 3 तारीख तक चलेगा। 2 और 3 तारीख को खतियानी सत्याग्रह के तर्ज पर यह आंदोलन है हमारा और इसका मुख्य एजेंडा, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार का ध्यान हमारे मुद्दों की ओर आकर्षित करना है। और साथ ही आपके तमाम चैनल के माध्यम से मैं झारखंड राज्य के साथ साथ तमाम देशवासियों को भी अपील करना चाहूँगा, देशवासियों को भी संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी राज्य जो बनता है, कहीं ना कहीं उस राज्य का उद्देश्य होता है उस राज्य के लोगों का उन्नत करना, उस राज्य के लोगों का विकास कैसे, उस पर बात करना। और ये हमारा भारतीय संविधान भी कहता है, आर्टिकल 1 स्पष्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत संविधान जो सर्वोच्च ग्रंथ है वो कहता है कि भारत राज्यों का देश होगा। लेकिन अगर कोई उससे उल्टा प्रश्न करे कि भारत भारत क्यों नहीं होगा, भारत राज्यों का ही देश क्यों होगा, तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारत में एक जाति नहीं है, भारत में एक धर्म नहीं है, भारत में एक भाषा नहीं है, भारत में एक बोली नहीं है, भारत में उतना तो छोड़िए पहनने ओढ़ने और नाचने का तरीका एक नहीं है, खाने का तरीका एक नहीं है, साफ शब्दों में कहें तो भारत में एक भगवान नहीं है। यानी भारत अलग अलग लोगों को मिलाकर एक होगा। तो अलग अलग लोगों को अधिकार बनता है कि नहीं बनता है? जब भारत में अलग अलग समूह, अलग अलग लोग, अलग अलग राज्य को मिलाकर भारत बनता है, तो उन अलग अलग राज्य के लोगों को अधिकार बनता है कि नहीं बनता है, ये हमारा सवाल राज्य की सरकार से है, व्यवस्था से है। अगर है तो फिर हमारे राज्य की पहचान कहाँ? देखिए, आज कुछ भी हो, चाहे सड़क पर चलना हो या विद्यालय में प्रार्थना में खड़ा होना हो या फुटबॉल का मैच खेलना हो, एक नीति बनता है, एक नियम बनता है, उसी के तहत वो संचालित होता है। आप अगर बाएं स्थान के जगह सड़क पर दाएं चलेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस भी होंगे और आपको पेनल्टी का देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार फुटबॉल का 90 मिनट छोड़िए, 5 मिनट के पेनल्टी के खेल में एक नियम बनता है, फिर वो खेल संचालित होता है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही दुख की बात है कि आज झारखंड के पास कोई नियम नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, ये भगवान भरोसे ये राज्य चल रहा है। सबसे प्रमुख नीतियां होती है, नीतियां तो बहुत सारी होती है, लेकिन पहली नीति होती है स्थानीय नीति, और ये तमाम भारत वर्ष के जितने भी राज्य बने हैं उनकी स्थानीय नीति तय है। कहीं भाषा संस्कृति परंपरा के आधार पर तय है, कहीं जमीनी कागजातों के आधार पर तय है, लेकिन नीति तय है। लेकिन झारखंड की नीति थी पूर्ववर्ती सरकार में 1985 को लेकर। माननीय मीडिया बंधुओं, हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा, आजादी से पहले हमारे राज्य के, राज्य की छोड़िए हमारे जिले के बहुत सारे लोग असम गए हैं, लेकिन आपको जानकारी होगी ना उन्हें असम की सरकार ने अपना माना है और झारखंड आने का तो चांस ही नहीं बनता है। जो 70 साल पहले असम गए हैं उन्हें एक नया नाम मिला है, टी ट्राइब, फिर 85 वाले झारखंड में कैसे? और सबसे बड़ी बात, अगर इस मुद्दे पर कोई अगर बुद्धिजीवी सवाल करता सरकार से ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटघरे में आती, क्योंकि 2 डोमिसाइल राइट नहीं है भारत देश में। तो आप अगर 85 की बात करते हैं तो उनका सर्वे होना चाहिए कि उनके पास कहां का डोमिसाइल पूर्व से है, और उन्होंने जो पूर्व डोमिसाइल है उसको निरस्त करने के लिए घोषणा पत्र बनाया है कि नहीं बनाया है। दूसरी बात आती है नियोजन नीति की। अब वर्तमान सरकार की गलती देखिए, यहाँ के छात्र कितनी उम्मीदों के साथ हजारीबाग में पढ़ते हैं, बोकारो धनबाद जिलों में पढ़ते हैं घर द्वार छोड़कर, और उनके हाथ में क्या आता है? एग्जाम पोस्टपोन आता है। एक नीति आती है कि जो यहाँ से 10th और 12th पास आउट है वह झारखंडी माना जाए। क्या ये उचित है? क्या ये संभव है? क्या ये नैतिकता है? बिल्कुल नहीं। अगर 10th पास करने से वो झारखंडी होगा तो कोई बच्चा 2030 में भी 10th पास करेगा, क्या वो झारखंडी मान लिया जाएगा? अगर ऐसा ही करना था तो 88 सालों का संघर्ष क्यों? इतने लात जूते, पुलिस के लाठी डंटे, इतने चौक चौराहों पर जो मूर्तियां हमारे महापुरुषों की, ये शहादत, ये रक्त क्यों? तो इसलिए हमारी मांग टू द पॉइंट है, हमारी मांग कहीं गलत नहीं है। हमने स्पष्ट कहा है अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की अपनी पहचान है, उनकी अपनी परंपरा है और उनके लिए अपनी अपनी नीतियां हैं। तो राज्य सरकार झारखंडियों के लिए नीतियां बनाए ताकि झारखंड के लोग सुरक्षित हो पाए। इसी के लिए राज्य सरकार को होश में लाने के लिए, उन तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए हम लोग 2-3 तारीख को खतियानी सत्याग्रह का आंदोलन चलाने वाले हैं और राज्य भर के तमाम युवाओं से,
बुजुर्गों से, बड़ों से, माताओं बहनों से अपील करते हैं कि आप इस आंदोलन में भाग लेकर इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार को, राज्य सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करें। देखिए मीडिया बंधुओं, बहुत सारे दिग्भ्रमित बातें सामने आती हैं कि 1932 का जो खतियान है वो चूंकि भारत न बनने से पहले का खतियान है, अतः उसे अगर मान्य नहीं मिलना चाहिए। तो मैं तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगा, यदि 1932 का खतियान अंग्रेजों के काल का टाइम ऑफ पीरियड का है और उसे मान्यता नहीं मिलना चाहिए, तो मैं इसके फेवर में तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज जो भारत में कानून हैं, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, ताजिराते हिंद, भारतीय दंड संहिता 353 हो, 153 हो, 307 हो, 376 हो, 302 हो, ये 1860 की कानून है। जब इसी देश में 1860 की कानून मान्य हो सकती है तो फिर 1932 क्यों नहीं? इसमें हमारा कहां दोष है? हमने क्या गुनाह किया है? हमने कौन सा गुनाह किया है? और तौर छोड़िए, जो आपका ये काला कोट आज जो वकील लोग पहनते हैं ना मान्यवर, ये काला कोट भी अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों का रेल मान्य हो सकता है, अंग्रेजों का एरोप्लेन मान्य हो सकता है, लेकिन केवल और केवल 1932 मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये झारखंडियों के हक अधिकार से इन्हें वंचित रखना चाहते हैं। और मैं जहां तक समझ पाता हूं, आज पिछले 6 महीनों से मैंने लगभग 1 दर्जन जिलों का भ्रमण किया, जहां तक मैं समझ में आता है मुझे कि इनका उद्देश्य है झारखंड के लोगों को इस भूभाग से दूर करना। इसलिए दूर करना क्योंकि हमारे लिए, भले लोगों के लिए वो विकास का नजरिया हो, लेकिन हमारे लिए वो विनाश का नजरिया है। हमारे जो जमीन के नीचे खनिज संसाधन है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए विनाश का जरिया है। सारे लोगों की नजर हमारे खनिज संसाधनों पर टिकी है, इसलिए कतई नहीं चाहेंगे कि झारखंड के हित में नीति बने, ये कतई नहीं चाहेंगे झारखंड के लोग उन्नत हों। ये लोग चाहेंगे कि हमें बेवकूफ बनाकर रखें। ये लोग चाहेंगे जिस प्रकार वियतनाम और फ्रांस के साथ हुआ था, फ्रांस के लोग जानबूझकर वियतनाम को फेल करते थे ताकि वियतनाम के लोग फ्रांस की बराबरी नहीं कर पाए, ठीक अन्य राज्यों से जितने भी लोग बसबसाव होकर यहाँ बड़े बड़े पदों पर आसीन है, वे नहीं चाहेंगे कि हमारे पक्ष में शिक्षा नीति बने, हमारे पक्ष में विस्थापन नीति बने, हमारे पक्ष में उद्योग नीति बने, क्योंकि हम अगर उन्नत हो जाएंगे तो फिर इनकी सुनेगा कौन? और अगर हम उन्नत हो जाएंगे, हमारे लोग सुनने लगेंगे, हम खुद से कमा कर खाने लगेंगे, तो फिर हमारी जमीनों पर इनकी नजर कैसे आएगी? तो इसलिए बहुत साजिश, एक सिंडिकेट के तहत, बहुत प्लानिंग के तहत आज राज्य सरकार के साथ साथ तमाम जो कंपनियां हैं, जो राज्य सरकार को बड़े, राज्य सरकार नहीं, तमाम जो पूर्ववर्ती सरकारें रहे हैं जिनको फाइनेंस करते हैं, उनका उद्देश्य झारखंडियों को यहां से बाहर कर देना। और ये तो हमारे मुख्यमंत्री का एक पेपर कटिंग था कि अगर इनका बस चले खासकर केंद्र का, तो झारखंडियों को रेगिस्तान भेज देंगे और यहां खनन का काम करेंगे। तो जो यहां का मुख्य एजेंडा है, आज झारखंड को लूटने का जो मेन एजेंडा है, वो यहां की खनिज संपदा है। क्या पता यहां सोना, हीरा, मोती, चांदी कब निकल जाए। आज यहां के छात्र आप देख सकते हैं, जैसे जेई का इम्तिहान आता है, छात्र इम्तिहान को फॉर्म भरते हैं, एग्जाम लिखते हैं, दूसरे दिन उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, वे आंदोलन करते हैं, फाइनली एग्जाम रद्द होता है। क्या एग्जाम रद्द करने से समस्या का हल होगा? या फिर आपने कभी देखा कि उन्होंने 5 साल से 10 साल से जो यातनाओं को झेला है, जिस मेहनत के साथ एक इम्तिहान के लिए तैयारी की है, उसकी भरपाई कौन करेगा? पीएचडी का मामला आता है, पीएचडी का मामला आता है कि जो A++ NAAC द्वारा जिस विश्वविद्यालय को A++ की मान्यता प्राप्त हो, वहीं से अगर आप पीएचडी करते हैं तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है, झारखंड में 9 या 10 विश्वविद्यालय हैं, कहीं किसी को मान्यता प्राप्त नहीं है A++ यानी हमारे पीएचडी भी अमान्य। खैर, इसका आंदोलन हुआ और ये निर्णय अभी वापस हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार आंदोलन ही झारखंड को जीवंत रखेंगे, झारखंड के हक अधिकार को जीवंत रखेंगे। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड राज्य के तमाम लोगों से आह्वान करने आए हैं कि आज अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि ये लड़ाई निर्णायक है, रोज रोज आंदोलन खड़ा नहीं होता है। और हमने भी कभी उम्मीद नहीं किया था कि धनबाद बोकारो के युवा जो आंदोलन को लेकर चले हैं, वह राज्य स्तर का आंदोलन बनेगा। इसका मतलब स्पष्ट है, कहीं ना कहीं आज 22 सालों से झारखंड के जो लोग हैं वह शोषित हैं, वो वंचित हैं, वो पड़तारित हैं, उसी का परिणाम है कि छोटा सा आंदोलन, छात्रों का आंदोलन, आज राज्य स्तर पर व्यापक रूप ले चुका है। और इसका चर्चा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो रहा है, इसका चर्चा लद्दाख में, इसका चर्चा गुजरात में हो रहा है। तो इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की उपस्थिति में उनके सौजन्य से झारखंड राज्य की जनमानस से अपील होगा, आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित करें और आने वाले 2-3 तारीख को खतियानी सत्याग्रह के तर्ज पर विधानसभा परिसर के कुछ दूरी पर हम लोग सत्याग्रह के तर्ज पर आंदोलन करने जा रहे हैं, इस पर समर्थन करेंगे। 2 दिन का होगा? हाँ, ये 2 दिन का होगा, क्योंकि खेतीबाड़ी का दिन है और हम लोग प्रयास किए थे कि पूरा सत्र को ही टारगेट करें, लेकिन चूंकि हमारी जो रीड है वो खेतीबाड़ी है, तो उसको अभी देखते हुए 2 दिवसीय ही
ये आंदोलन। देखिए बिल्कुल गो तस्करी को हम चाहेंगे कि पूरे भारत देश में प्रतिबंधित हो, क्योंकि गो कहीं ना कहीं लोगों की माँ समान है, किसी की भावना से जुड़ी है, तो भावना का अपमान नहीं होना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगे। और ये झारखंड में जो सर की बार बार इसको रद्द कर रहा है बहाली को लेकर, आता है फिर और जितने भी सारे झारखंड में बहाली है सब में केस है सर, अभी तक कोई क्लियर नहीं है सर, तो झारखंड सरकार को थोड़ा संदेश दीजिए। मैं बिल्कुल झारखंड सुधार सके यहाँ क्या, मैं झारखंड सरकार को यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपके पास मिशन हो, आपके पास विजन हो, अगर आपके पास दूरदर्शिता हो तो कुछ भी संभव है। आज मैं नीति की बात करूँ तो एक समय एक स्लोगन था भारत देश में कि जिस दिन 370 की धारा हटेगी उस दिन देश में भूचाल आ जाएगा, संविधान खाक हो जाएगा, लेकिन आज 370 की धारा भी हट चुकी है और ना कोई भूचाल आया है ना कुछ हुआ, क्योंकि 370 के समर्थन वाले सदन तक पहुँचे, 370 हटी। तो ठीक उसी प्रकार जिस दिन 32 को समर्थन करने वाले युवाओं के हित में सोचने वाले लोग विधानसभा के भीतर जाएंगे, निश्चय ही बदलाव आएगा। तो इसलिए राज्य की जनता और विशेषकर राज्य की युवाओं को आज बैठकर सोचना होगा, क्योंकि सवाल आने वाले भविष्य का है। कुछ दिन पूर्व आपने एक सवाल उठाया था ईडी को लेकर, कुछ लोगों के नाम को लेकर, आप ऐसे लोगों के शिकंजा ईडी का कस रहा है, क्या कहेंगे? देखिए निश्चय ही भारत देश की व्यवस्था हो या राज्य की व्यवस्था हो, जो पूंजीवादी व्यवस्था जो तेजी से फैल रही, देखिए पूंजीवाद का कोई विरोधी नहीं है, आपके हाथ में जो कैमरा है, मेरे हाथ में जो मोबाइल है, ये पूंजीवाद का रूप है, लेकिन मैं चाहता हूं पूंजीवाद के साथ समाजवाद का इंक्लूड हो। लेकिन कुछ लोग जो सत्ता में आ जाते हैं वे लोग अथाह धनराशि अकूत जमा कर लेते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि आपके स्टोरेज में धन जमा होता है लेकिन लोग उस देश में भूखा आ जाता है। तो इसलिए ईडी सही कार्य कर रही है, लेकिन हाँ उसे चाहेंगे कि वो निष्पक्ष कार्य करे। कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी हैं जो रडार में खड़े होते हैं, तो इसलिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पक्ष और विपक्ष नहीं देखना चाहिए, सबको रडार में लेकर उनकी जांच होनी ही चाहिए। जयराम जी, आपका दूसरा विधानसभा घेराव है, कितना असर पड़ा सरकार? देखिए असर तो पड़ा है, विधानसभा के भीतर पिछली बार सरकार ने इनडायरेक्ट रूप से एक फुटबॉलर का नाम लिया है, फुटबॉल हम ही खेलते थे अपना जो समूह था, तो असर तो पड़ा है। दूसरी बात, जो कुछ कुछ मुद्दे जो थे जो आंदोलन के माध्यम से वापस हुए हैं, आज पेपर कटिंग में पढ़ा कि सरकार एक उप समिति बना रही है, गठन कर रही है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन का असर है निश्चय ही, चूंकि आंदोलन दो जिलों से प्रारंभ हुआ था, इसीलिए राज्य सरकार को मैंने तकाजा नहीं था कि आंदोलन इतना बृहद रूप लेगा, जिस दिन पूरे झारखंड की आवाम खड़ी हो जाएगी आंदोलन का बहुत बड़ा असर दिखेगा। धन्यवाद सबों को, थोड़ा सा हम विलंब से आए उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से क्षमा प्रार्थी। चलिए मैं क्या इंटरव्यू नहीं दीजिएगा? नहीं नहीं दादा, इंटरव्यू नहीं दादा, मीटिंग है दादा, मीटिंग है, रात भर मीटिंग, देख लीजिए आप।